नमो अर्हंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तुमंगलं सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सदाशनम्। व्यवहार परमार्थ के लिए है, साध्य परमार्थ है। व्यवहार के द्वारा परमार्थ को साधना सीखो, जो परमार्थ को जाने बिना व्यवहार में ही संतुष्ट हो जाते हैं, व्यवहार को ही परमार्थ मानकर संतुष्ट हो जाते हैं, वे जीव तुसको छोड़कर, वो क्या नाम, कंडल को छोड़कर तुसमें संतुष्ट होने वाले जीवों की तरह है। एक सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करो। बोलो भाई। ऐसे व्यवहार में संतुष्ट हो जाने वाले कोई और जीव नहीं है, कोई और जीव नहीं है। यदि ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। जितने जीव ऐसे हैं होंगे, अपन भी देखो विचार करो हैं या नहीं। ये दर्शन न करें, कहीं दर्शन का योग न बन पाए तो आज दर्शन नहीं किया, आज दर्शन नहीं किया, आज दर्शन नहीं किया, आज दर्शन नहीं। और कदाचित कहीं मन जिन मंदिर मिल जाए, जल्दी तो गाड़ी की है, घर से गए और ऐसे अपने मन में क्या लगने, दर्शन हो गए। आपको वाक्य याद होना चाहिए, बोलो, देव दर्शन आत्म दर्शन के लिए है। समझ में आया, आत्म दर्शन के लिए है। यदि देव दर्शन के द्वारा आत्म दर्शन का उद्यम नहीं किया तो व्यवहार में ही संतुष्ट होने वाले जीव हैं। एक दिन एक चर्चा की थी, याद है, बोलो, दर्पण खेलने के लिए नहीं, मन बहलाने के लिए नहीं। बंदर ऐसे ही करता, बंदर को दर्पण मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, वो ऐसे मटकाएगा, गिर जाएगा तो रोएगा। दर्पण केवल खेलने के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। दर्पण तो अपने चेहरे को देखकर विकार को मिटाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए है, साफ स्वच्छ करने के लिए। श्रृंगार का मतलब कुछ लीपा पोती नहीं है, ध्यान रखना। सादगी हमारे जीवन का श्रृंगार है, सौंदर्य है। स्वच्छता यही श्रृंगार है, स्वा होना यही श्रृंगार। उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, साफ हो गया, विकार मिट गया, बस श्रृंगार हुआ, सुंदर है। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
बोलो दृष्टांत। जैसे जिन प्रतिमा में कोई श्रृंगार नहीं होता, बोलो वस्त्राभूषण हार मुकुट चंदन लेप फूल, जैसे जिन प्रतिमा में श्रृंगार नहीं होता ऐसे जिनेन्द्र देव के अनुयायी शरीर के श्रृंगारों में नहीं रखते। ठीक है, सादगी हमारे जीवन का श्रृंगार है। व्यवहार की एक चर्चा कही थी, अब सहजता ये श्रृंगार है और श्रृंगार है सो विकार है। जो श्रृंगार ऊपरी श्रृंगार होता है वह स्वाभाविक सुंदरता को विकृत करने वाला है। और नहीं तो आप अपने से पूछें, जिनसे आप अपने को श्रृंगारित करते हैं, सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, वे काय से सुंदर हैं ये बता। आप बताओ वे काय से सुंदर है। हार पहन लिया या अंगूठी पहन ली, तो हार काय से सुंदर है? हार से तुम अपना गला सजा रहे हो, अंगूठी से अपनी अंगूठी सजा रहे हो, मुकुट से माथा सजा रहे, तो हार मुकुट काय से सुंदर है ये बता। और वे स्वयं सुंदर हैं, तो हम नहीं वे स्वयं सुंदर हो, ये कोई बात रही? रसोई घर जानते हो कौन सी वस्तु ऐसी है जिसमें स्वाद नहीं है ये बता। ऊपर से नमक डाल करके, मिर्ची डाल करके, खटाई डाल करके, शक्कर डाल करके स्वादिष्ट करते हो, लेकिन कौन सी चीज ऐसी है जिसमें स्वाद नहीं? लौकी का कोई स्वाद है? करेले का कोई स्वाद है? मेथी का कोई स्वाद है? जीरे में कोई स्वाद है? बोलो है? हमारी आदत पड़ गई है उसमें वो मिला करके खाने पीने की। हमारी भीतर में यहाँ मोक्ष मार्ग में भी आदत पड़ी है पर को अपने में मिलाकर देखने की, और यही हमारे भाव रोग का कारण है। जैसे तमाम मिला करके खाना ये रोग का कारण है। 10-20 चीज तो मिला करके खाओ पियो, यानी कैसी है वो दही का वो बना देंगे और फिर उसमें फल डाल देंगे, फिर उसमें भी डाल देंगे, फिर उसमें भी डाल, अरे कैसी छाछ। अगर अकेला पियोगे तो तुम्हारे पेट के लिए एक औषधि है, अब एक इसमें क्या दम रही, वो अच्छा लगता है, बढ़िया। अच्छा किसको लगता है? किसको अच्छा लगता बोलो? अच्छी लगती है जरा अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा लगता है। किसको लगता है? निर्गंध रूप अच्छा नहीं लगता, जिन रूप अच्छा नहीं लगता। हर वस्तु को स्वाभाविक रूप में देखने का अभ्यास करो। स्वभाव की प्राप्ति की अभिलाषी है ना। तब आप उसके स्वाद को पहचान पाओगे। जब वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए तो लौकी का टेस्ट करो आप, तो नमक मिलाकर के टेस्ट करोगे, मिर्ची मिलाकर के टेस्ट करोगे, तो फिर क्या लौकी का टेस्ट है? नमक मिर्ची खटाई मिलाकर के उसका टेस्ट करो और फिर वही उत्तर लिख दो आप। फेल हो जाओगे पास। जो पर द्रव्यों को अपने में मिला करके एक भेक मान करके प्रवर्तित होता है वह कभी सुखी नहीं होता। यह तुम्हें सुखी होना है, पंडित टोटोमल जी का वाक्य याद रखो, क्या अपना अंश पर में मत मिलाओ, पर का अंश अपने में मिलाओ, पर का अंश अपने में मत मिलाओ। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके मत देखो। इसकी भाषा बोलो जो स्वाध्याय में चल रहा था, ज्ञान और ज्ञेय को मिला करके मत देखो।
निमित्त नैमित्त को मिला करके मत देखो। वो निमित्त ने अपना कार्य किया है, वो कर्तव्य की पर्याय है निमित्त निमित्त, और यहाँ नैमित्तिक में अपना कार्य हुआ अपनी अपनी योग्यता से हुआ। न सूर्य को कर्तव्य है कमल को खिलाने का, और न कमल को कोई सहाय है खिलने के लिए सूर्य की। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है सहज, और जो सहजता से जानता है वह सुखी होता है, और सहजता नहीं जानता मिला करके जानता। देखो सूर्य के कारण कमल खिला, इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ। बड़ी सुंदर भावार्थ में चर्चा आई है। देखो रागादिक भाव अपने किए होते हैं और अपने मिटाए मिटते हैं। रागादिक के होने में पर का दोष नहीं है, और रागादिक को मिटाने के लिए पर सहाय की जरूरत नहीं है। पर सहाय का मतलब समझते हो, ये तुम हमारी अनुकूल प्रवर्तन करो तब हमें क्रोध ना आए, ऐसा नहीं है। अनुकूल प्रवर्तन होगा तो भी क्रोध होगा, और भेद ज्ञान होगा तो प्रतिकूल प्रवर्तन होगा तो भी क्रोध नहीं। समझ में आया क्या? भेद ज्ञान के बिना अनुकूल प्रवर्तन होगा तो भी क्रोध होगा। तुम यहीं बैठे हो, वहां नहीं जा रहे, क्यों? कोई वस्तु सर्वथा किसी के अनुकूल होती नहीं। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की, इसका कोई बड़ा दृष्टांत याद है तुम्हें? वो बड़ा सेठ मरणासन्न अवस्था, आवाज बंद हो गई, चार पुत्र, पुत्रों ने सोचा दुकान तो रोज खुलेगी, अब पिताजी कितने समय के पता नहीं है, इनके पास बैठे हैं, तो सबके सब बैठ गए। अब जने का कहने जा रहे, का कर रहे, सबके सब यहीं बैठे हो, हम तो मर रहे, दुकान का खोल जाएगा, अब बोलो क्या करे, बताओ क्या करे। इतनी मिर्च डाली, मिर्च ही नहीं डाली, अब बोलो क्या करोगे, बताओ क्या करें हम, बोलो इतना गर्म कर दिया, बिल्कुल ठंडा रखा, बोलो क्या करें जी। करने वाला तुम उसकी जगह बैठ जाओ और तुम्हारी उसको बैठा दो, अब बोलो क्या करें। अरे उपाय यही है, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया ठंडा कर लो, ठंडा गर्म हो गया गर्म कर लो, और नहीं तो गर्म ठंडे को समझ लो, या फिर गर्म कर लो, मान लो कोई औषधि है, कोई बात है, कोई तकलीफ है, ठंडा हुआ जरा और गर्म कर लो, ठंडा हुआ गर्म ज्यादा हो गया चलो ठंडा कर लो। उपाय तो ये है, ये समझो सूक्ष्म दृष्टि से तो बात है सो है ही, स्थूल दृष्टि से भी हम जो उपाय करते हैं वो झूठे हैं। तुमने इतनी देर कर दी, अब देर तो हो ही गई, अब जल्दी कैसे हो इस काम को निपटा, चलो ये काम बाद में होगा, पहले अपन स्वाध्याय कर लें। अब देर तो हो ही गई भाई, अब हो गई सो गई, अब क्या करोगे बता। अब कसाय करने से कोई देर की जल्दी हो जाए तो बता दो आप, कसाय भी विकल्प भी आखिर निरर्थक ही तो है परद्रव्य में। अपने को आकुलता तो होगी, उसे तुम कहो तुमने हमारी गाड़ी निकाल दी, अरे निकल गई तो निकल गई, अब ये बताओ क्या करें, या तो कल चले जाओ, आज जाना जरूरी है तो दूसरी रास्ता ढूंढो, कोई उपाय सोचो, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा। अज्ञानी चिंता करता है, क्रोध करता है, क्षोभ करता है, छल प्रपंच करता है, लोभ करता है, ये उपाय नहीं। हम उपायम विचिंतयेत, तुम्हारे ही बीमार पड़ गए, तो अब क्या करे बोला। मैंने दिन भर देखो ये क्या क्या चर्चा चलती है, कैसी हम उपायम, अब पड़ गया तो पड़ गया बेचारा, क्या करे, अब क्या होना चाहिए इस बात को सोचो,
ये बच्चा बहुत चंचल है, खटपट है, तो बच्चे हैं, हैं तो हैं, अब क्या करोगे बताओ। वस्तु का स्वभाव बदला नहीं जा सकता भाई, स्वभाव को समझ करके हमें क्या करना चाहिए, बात को सोचो। परसों रात को चर्चा की थी, देखो भाई भेद विज्ञान के अभ्यास के बिना आप नहीं चाहो तो भी मान आएगा, जरा छेपसम होगा तो मान आएगा, जरा हम कुछ अच्छा बोल लेंगे तो मान आएगा, जरा हमारी सुन लेंगे तो मान आएगा कोई दूसरा, और जरा उसमें प्रतिकूलता होगी तो क्रोध आएगा, आएगा, आप रोक नहीं सकते उसको, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तत्व ज्ञान तिरोभावी रागादिक निरंकुशा, बाद भी सूर्य कहते हैं हैं, तत्व ज्ञान के अभाव में रागादिक निरंकुश होते ही हैं, उन पर अंकुश लगाने वाला एक ज्ञान है। ज्ञान है वही अंकुश लगा सकता, वही रोक सकता है। राष्ट्र का शब्द बोलो टीका का, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। ज्ञान मात्र से माने ज्ञान के अतिरिक्त चाहे कितने ही तुम उपाय करो, चाहे निमित्तों को हटाओ, चाहे तुम निमित्तों से दूर चले जाओ, या हट जाओ तुम यहां से, अब तुम नहीं हटे, चलो हम ही हटे यार, कुछ नहीं होगा, कसाय तो नहीं मिटेगी। विश्व में सर्वत्र निमित्त है, कहां जाओगे बोलो। दीपायन ते बचे जे तपसी निर्गंध, अब जल द्वार का जल रही है ये बैठ जाओ, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। पांच पांडव मुंडाजों ने यही तो विचार किया, देह तो जलेगी, देह नहीं रहेगी, अब एक ही उपाय हो सकता है कि इसके मोह में हम न जलें। ये तो भाई अब क्या करे बोलो, कुछ नहीं हो सकता। समाधि मन का आधार ही ये है, देह और आत्मा का भेद ज्ञान। अब ये देह हमारे राखे भी नहीं रहेगी और तुम्हारे राखे भी नहीं रहेगी, समाधि मन पढ़ना। अब ये लक्षणों से मालूम पड़ रहा है कि देह के छूटने का वियोग का समय आ चुका, इसलिए मैं अपने स्वरूप में सावधान होता हूं। अब तुम भी मोह छूड़ो, और कोई उपाय नहीं, नहीं तो रो मोह में, हम क्या कर रहे। अब देह और अपने को एक मान करके, माने मोह के कारण हम अपना भव बिगाड़े तो बिगाड़े, परिणाम बिगाड़े तो बिगाड़े, मरण बिगाड़े तो बिगाड़े। ये जो मिला करके करने की जो आदत है ये बहुत खराब है। मिलाकर देखने की, मिलाकर जानने की, मिलाकर कहीं मानने की, और मिला हुआ जान मान करके फिर अपने दुर्विकल्पों में उलझने की ये प्रवृत्ति, यही संसार का कारण है। गंभीर बातें हैं। देह जीव को एक गिने, एक होता तो है नहीं, एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय, बिल्कुल दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं होगा। अरे ऊपरी ऊपरी बातें करता है, आप बता तो हम कुछ पूजा कर लें, कौन सा अनुष्ठान कर लें साहब, कौन सा विधान ठीक रहे, वेद ज्ञान का विधान करो, सब विधान सफल हैं। चाहे पंच परमेष्टी विधान करो, चाहे भक्तामर विधान करो, चाहे शांति विधान करो, चाहे रत्नत्य विधान करो, चाहे दशलक्षण विधान करो, चाहे सिद्ध चक्र करो, चाहे इंद्रध्वज करो, वेद ज्ञान के विधान के बिना तो भाई सारे विधान सुने हैं, कोई भी विधान मोक्ष मार्ग तो नहीं, मोक्ष मार्ग का निमित्त भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना, बिना वेद ज्ञान के। जब तुम्हें वेद ज्ञान हुआ बस समझ लो,
शीतल चित्त भयोजम चंदन, खेल करें शिव मार्ग में जगमाहे जिनेश्वर के लघु नंदन। बस आ गए, बात अपना कुल बदल गया वेद ज्ञान होने के बाद, बदल गया जिनेश्वर के लघु नंदन हो गए, उनके कुल में पहुंच गए। अब ये उनके कुल में पहुंच गए तो जी कुल की बातें चली गई, जैसे लड़की का विवाह हुआ तो वो कुल बदल गया, वहां क्या करेगा। ऐसी परिणति वेद ज्ञान के करके अपने स्वरूप के सन्मुख हुई, कुल बदल गया। कौन सी वस्तु, पौद्गलिक वस्तु, खाद्य वस्तु ऐसी है जिसमें स्वाद नहीं है? ये तो हमारी गंदगी है, हमारी आदत है, हमारी आसक्ति है। हमें मीठा अच्छा लगता, कड़वा अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मिर्ची ज्यादा अच्छी लगती है, इनको खटाई ज्यादा अच्छी लगती है, इनको मीठा ज्यादा अच्छा लगता है। अब क्या कर रहे, ये तो हमारी कल्पनाएं हैं। बाद बाकी वस्तु स्वरूप का विचार करो, वस्तु मिलती नहीं, मिलाए नहीं मिलाए। जल पजो जियतन मिला है, है भिन्न भिन्न नहीं मिला, भिन्न भिन्न ही रहते। आप नहीं चाहोगे तो भी वो होगा, सम्यक दृष्टि मोक्ष ना चाहे तो भी मोक्ष होगा उसका। सम्यक की प्रतिज्ञा याद है, एक बार तू मुझे प्राप्त कर ले फिर कहना हम मोक्ष नहीं आएंगे, हम तुझे जबरन ले जाएंगे। ऐसी मिथ्या तो की भी एक प्रतिज्ञा ही है, तुम चाहे कुछ करियो हम तुम्हें निकलना नहीं देंगे। हम खूब तब एक टांग पर खड़ी रहे, खड़ी रहो एक टांग पर खड़ी रहो, चाहे दो टांग पर खड़ी रहो, चाहे मुड़ के बल खड़ी रहो, हम तुम्हें मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारी मंद तीव्र जो कछ है हो जाने का, हम एक भी कथा नहीं मिटने देंगे तुम्हारी। टाइफाइड हो गया, अब तुमको हम घी खाएंगे, हम दूध पियेंगे, कमजोरी देखें कहा, हम कमजोरी को ही देखना, बादाम खाएंगे, हम सेब खाएंगे, हम अनार खाएंगे, कि जो तो खाओगे वे सबसे रोग खा जाएगा, तुम बिल्कुल मोटे नहीं हो, बिल्कुल मजबूत नहीं आएगी तुम्हें। क्यों, लौकिक में की एक बात कही थी, आयुर्वेद की सिद्धांत बताया था, बोलो, खाने से ताकत नहीं, पचेगा तब ताकत आए। अब पाचन तो है नहीं तुम्हारा, वो आम दोस्त बनेंगे सुझा करके, कहीं दस्त लग जाएंगे, कहीं ये हो जाएगा, कहीं वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। आप सबसे पहले उस रोग का इलाज करो, रोग के अभाव के बिना कमजोरी दूर करना संभव नहीं, असंभव है। मोह के अभाव के बिना कषायों का अभाव असंभव। आप नहीं चाहोगे तो भी होंगे, जबरन होंगे, क्या करें। हम तो खूब चाहते कथा नहीं हो, गुस्सा नहीं आए, तुम चाहते तो उपाय तो करते नहीं, तुम चाहते हम लखपति हो जाए, कैसे हो जाओगे, पुण्य करो ना। अब तुम तो लखपतियों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हो, छल प्रपंच कर रहे हो, उल्टे सीधे पाप के कार्य कर रहे, पाप परिणाम कर रहे, तुम कहते लखपति, तुम हम कह जो होश हो नहीं रह पाओगे। भगवान बनने की बात तो दूर है, तुम इंसान नहीं रह पाओगे बिना भेद ज्ञान के। बोलो, मनुष्य रह पाओगे? कभी मायाचारी की परिणाम आया त्रियन चले गए, कभी बौवरम का परिणाम आया आर्तर ध्यान नरक चले गए, कभी थोड़ा मन कथा हुआ तो स्वर्ग चले गए, मनुष्य भी नहीं रह पाओगे। और लौकिक में भी आप देखो,
कथायों की तीव्रता में आदमी आदमी नहीं रहता, हैवान बन जाता है, बेईमान बन जाता है, क्रूर बन जाता है, कठोर बन जाता है, चोर डाकू बन जाता है, व्यभिचारी बन जाता है, जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है। बोलो बनता है, कथा की तीव्रता में तो होता है। आदमी आदमी रह पाता है? कसायों की मंदता है तब आदमियत लौट जाती। मानव मानव बनता है, और मनता है तो वो देव बन जाता स्वर्ग आदि। लेकिन मोह मिटे तो भगवान बने, मोह के मिटे बिना भगवान। पंडित जी नहीं रह पाएंगे अगर कथा की तीव्रता हो गई तो। बाबा जी नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। कसायों की तीव्रता हुई तो काहे के बाबा जी, काहे के पंडित हैं, काहे के त्यागी है, बताओ। त्याग का फल जो शांतता सो भी नहीं रहेगी, और त्याग का फल जो प्रभावना सो भी नहीं होगी। वेद व्यान के अभ्यास के बिना तुम्हें चाहने पर भी मोक्ष नहीं होता। सर विशुद्धि अधिकार की भाषा बोल सकते हो, सामान्य जन बत्ते शाम न मोक्षो की मुमुक्षुता, ये तो कर्तार मात्मानं पश्यन्ति तम सातता। सामान्य जन बत्ते शाम न मोक्षो मुमुच्छताम अपि मोक्षो न, ऐसी तो अर्थ करोगे। जो सामान्य जीव अपने आराम खा रहे पी रहे पढ़े लिखे, जरा से अपने तकलीफ हो गई तो अपने इलाज कर लो, नहीं तो निकाह किनारे रहे, फिर अच्छी हो गए फिर खेलने लगे। बाल बच्चे करते ना ऐसे ही तो करते, भी जानते ही नहीं संसार क्या मुक्त क्या कुछ नहीं, कुछ समझते चाहते नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है भूख लगी चलो इधर दूध दे दे, प्यास लगी तो पानी दे दे, इतने में मगन। वे मोक्ष को नहीं चाहते तो उनको मोक्ष नहीं होता। अब आपने पूजा पाठ स्वाध्याय करी और शास्त्र में सुना मोक्ष में सुख है, अब आप मोक्ष को चाहते हो तो अभी आपको बिना भेद ज्ञान के मोक्ष नहीं। ये कह रहे सामान्य जन बत्ते शाम न मोक्षो की मुमुच्छता। सामान्य जन बत उनसे कछु, हम इनसे तो अच्छे ही हैं, कछु अच्छे नहीं होते। कितने लोग हैं मंदिर ही नहीं आ, उनसे तो हम अच्छे ही हैं है? पीतल लोहा से तो अच्छी है। अरे बात सोने की चल रही है, तुम लोहे की तुलना करते क्यों मुझे बता। पीतल लोहे से अच्छी है ये कौन नहीं कह रहा बता। लेकिन पीतल पीतल है, पीतल सोना नहीं है। पीतल को सोना मानने से ठगाया जाओ, व्यवहार को परमार्थ मानने से ठगाया जाता है, अपनी आत्मा को ठगता है, धोखा देता है। ठीक है ठीक है, कतो रहे और क्या करें, कतो रहे और क्या करें बता। हमें समझ में ही नहीं आती हम क्या करें, समझ में आती भी नहीं और आएगी भी नहीं। तो ये समझ का अजीर्ण हुआ, हमें समझ में नहीं आता क्या करें। अरे रे भेद ज्ञान कर, भेद ज्ञान। एक मुंडा आया, अब ठंड लग रही, तो हमने कही महाराज एक कम्बल ले लो। भैया कम्बल रजाई ले लो, चादर ही ले ले। ये बातें क्यों हो रही हैं, ये विकल्प क्यों हो रहे हैं। जैसे हमें ठंड लगा तैसे इन्हें ठंड लगा, जैसे हम तैसे ये। अब उनको ये समझो ये भेद ज्ञानी हैं, वीतरागी हैं, देह से निर्मम हैं। जब ये बात समझ में आएगी बस आपकी बात बन जाएगी।
फिर तो उन्हें देखोगे ठंड में ऐसे बैठे तो तुम्हें ऐसा भाव आएगा कब हम आइए और नहीं तुझे लगे बताओ कितनी ठंड कछू तो ले ले। जो जीव स्वाध्याय से रहित होते हैं लौकिक जीव, अब उनके घर आप पहुंच जाओ और रात में पहुंचना, भैया भोजन, अरे भोजन तो हम रात में करते ही नहीं, तो दूध ले ले, तो फल ले ले, कछू तो ले ले। अभी जानते ही नहीं जैन, ये जैन है, ये कुछ भी नहीं लेंगे। समझ में आया ना? अब जो जानता है वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जो जानता है आपके स्वरूप को वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन जो नहीं जानता है तो भैया तो दूध ले लो, क्या फल ले लो, क्या मेवा ले लो, पानी ही ले लो, अरे भगवान को नाम ले ले जो को कहे वो आप व्यवहार भी नहीं आता। जब सारे उपाय झूठे लगते हैं तब भगवान का नाम लेने की सोचती है, तब डॉक्टर को कहते हैं अब जाओ भगवान को नाम ले। काहे? अब हमारे पास कोई दवाई बची नहीं, हमारी जो ही इलाज जो हमने कर लिया, अब जाओ भगवान को नाम ले अपने। ऐसे ही आप समझ लेना, जब आपको सारे उपाय आपके झूठे लगेंगे तब आपका धर्म में चित्त लगेगा, तब तक धर्म में चित्त नहीं लगेगा। ये भटकाते हैं विषय, कहीं हीनता लगेगी, कहीं अभिमान लगेगा, कहीं ये लगेगा। क्यों, क्या कह रहा था वो, यहाँ आते हैं इतनी योग्यता नहीं है तो हीनता लगती है, अभिमान है इसलिए हीनता लगती है। अरे नहीं आता तो सीखने के लिए तो आने आए हैं, हीनता क्या बात है? लेकिन वो अभिमान है ना, और अज्ञानियों में रहने से अभिमान पुष्ट होता है। अज्ञानियों में रहने से अभिमान पुष्ट होता है, वहां चाह कर सुना दे, चाह कर करो, चाह जैसे करो पूर्ण थे, अरे बड़ा धर्मात्मा क्यों भी तो तू नहीं कर रहे, सुबह बहुत बढ़िया। हिंसा क्यों आ रही है भीतर में अभिमान है, ज्ञानी को हिंसा क्यों नहीं आती? आपको एक दृष्टांत दिया था शिव भूति मुनिराज, इनका कितना क्षोभसम काम, फिर भी सम्यक ज्ञानी थे, वेद ज्ञान के बल थे, विचार करो क्षयोपम कितना कम। अब दूसरे क्षयोपम वाले मुनराजों को देख करके उन्हें हीनता नहीं आती थी। ईमानदार आदमी को दूसरे की वैभव चकाचौंध देख करके हीनता नहीं आती, देखो जगह ठाट कैसे हैं। मूल महिलाएं जरूर ऐसे सोचती, बताओ एक तो वो देखो वो क्लर्क है, और वह ने देखो गाड़ी ले ली, बना लो बोले लो बोले लो, तो एक तो मैं ईमानदारी बनी रहो, अरे समय देख के चलो। उसको लगती है बताओ भाई देव कैसे बढ़िया चमकते आभूषण पहने, हम नहीं जा रहे, हम बुरो लगा था मैं तो कहूं जात, अरे रे रत्न के आभूषण तुमने नहीं पहने, शील का आभूषण तुम्हारे पास नहीं है, हैं सादगी का आभूषण नहीं है, कैसी बात है, पागलपन की सोचते। लेकिन विचार करो ऐसा पागलपन किसी समझदार में हो सकता है, ऐसा पागलपन किसी समझदार में हो सकता है? कोई समझदार शिष्य हो उसे गुरु के सामने हीनता लगे हो सकता है? बोलो, कोई पुत्र को पिता के सामने हीनता लगे हो सकता है? हीनता लगती है क्यों? छंद समयसार नाटक जी का पढ़ना, क्या हासी में विषाद बसे, गुरुवर्तन में हीनता, अभिमान में दीनता, आयास में संयोग में वियोग बसे,
छंद पढ़ना। विचार करो भाई, विचार करो, वेद ज्ञान के बिना तुम्हारा सारा कर्तत्व मिथ्या है। वेद ज्ञान के बिना कर्ता होता है जी, काय का कर्ता होता है, जो मोह राग द्वेष आदि भावों का कर्ता होता है, वेद ज्ञान के बाद इन भावों का अकर्ता होता है। जब तक वेद ज्ञान नहीं है तब तक कर्ता मानो, सांख्य मत की तरह कर्ता मत मान बैठो। वेद ज्ञान हुआ बस अकर्ता आ गया। किनका अकर्ता? मोह राग द्वेष आदि भावों का। तो महाराज कर्तत्व शक्ति का क्या हुआ वेद ज्ञान होने के बाद? के वेद ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता हो गया। वेद ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता, पहले क्रोध का कर्ता होता था, माने क्रोध रूप परिणमित होता था, यह परिणमित था, और अब क्षमा का कर्ता हो गया। पहले लोभ का कर्ता होता था, अब संतोष का कर्ता हो गया, माने संतोष रूप परिणमित हो गया। कर्ता का मतलब ऐसा उल्टा मत पकड़ लेना स्वच्छंदता है, भी होते हैं और उनका कर्ता नहीं होता। यह परिणमति स कर्ता, अकर्ता का यह न परिणमति स अकर्ता, यह न परिणमति स अकर्ता। आप क्रोध के अकर्ता, क्रोध रूप परिणमित नहीं हुए, ये आचरण प्रधान कथन है। श्रद्धा प्रधान कथन एक ऐसा है कि कर्तत्व का अभिप्राय नहीं है, उस अपेक्षा से अकर्ता कहते हैं। तो ज्ञानी के रागाधिक भाव होते हैं, पुरुषार्थ की कमजोरी है, कर्म के तीव्र उदय है, निमित्तों का ऐसा ही योग है, रागाधिक भाव हो जाते हैं, लेकिन वह उनका कर्ता नहीं होता, अर्थात उनके कर्तत्व का अभिप्राय नहीं है। उनमें हे अपना होती तो फिर काय का कर्ता होता है? उन भावों के प्रति निंदा ग्रहा का कर्ता होता है। एक शैली वक्ताओं को हम जरूर कहेंगे, हमेशा कहते हैं, देखो भाई कोई भी कथन स्वच्छंदता पोषक नहीं होना चाहिए। टोटरमल जी ने क्या लिखा, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मर जाए, सज्जन मिश्री खाना नहीं छोड़ते है। हो गया बात, आगे चलो, आगे क्या लिखा ये तो बता। लेकिन कौन सज्जन है हुआ जो गधा को मिश्री खिलाए? क्यों भाई, कौन ऐसा हो गधा मिश्री खाने से मर जा? हमें नहीं मालूम मर जाता कि नहीं, वो तो दृष्टांत पढ़ा सो कह रहे। हमारा मतलब ये है, हमें मालूम है ये चीज इनको नुकसान करती है, हमें मालूम है इनको डायबिटीज बहुत तेज है। अब हम नहीं नहीं तुम तो खाओ, बर्फी खाओ, खाओ खाओ और खाओ और खाओ, कौन मूर्ख ऐसा होगा बता। बल्कि विवेकी तो ऐसा है, अगर वो कह भी जरा बर्फी बर्फी रहने दो, तुम मत खा, तुम्हारे नीचे नमकीन है, तुम नमकीन कर दे, नहीं दे तो नहीं और दे, अरे अब नहीं खा, कैसी बात है, फिर तकलीफ कौन भोगेगा। तो टोटामल जी ने कहा कि ये बात सही है, फिर भी वक्ता ऐसा करे जिससे जीव स्वच्छंद ना हो। कुछ नहीं, वो तो कर्म जनित हैं, वो तो अधिक भाव हैं, वो तो परिणाम है, योग्यता है, स्वतंत्र हैं, उनका चिंता मत करो, उनका लक्ष्य मत करो, उनको देखो ही मत। हाँ ऐसे नहीं, नहीं। उनकी निंदा गर्हा करो, उनका प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, और नहीं तो रोग के संबंध में लगा के बता दो। वो तो रोग होते हैं, कर्म उदय में होते हैं, वो सब होता है, कोई बात नहीं है। अरे नहीं, उसका इलाज करो, वहां इलाज का उपदेश देता है, और यहां होने दो, कोई चिंता मत करो, ये उपदेश देता है। टोटामल जी को पढ़ो ना, क्या करे। परंतु वक्ता ये करे जिससे जीव स्वच्छंद ना हो, और ये बात उन्होंने कही नहीं है, स्वयं कहा। पर द्रव्य से बंध नहीं होता तो अभी अनर्गल प्रवर्तन मत करो, लिखा है कि नहीं लिखा? पुरुषार्थ सिद्धि पाए में क्या लिखा, पर के घात से बिल्कुल हिंसा तुम्हें नहीं लगती, फिर भी
यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करो, प्रमाद को छोड़ो, नहीं तो अहिंसा का बंध होगा तुम। जैसे एक देव दर्शन की चर्चा की है, ऐसे ही स्वाध्याय की, ऐसे ही व्रत की, सील की, संयम की, सत्समागम की है, बिल्कुल एक एक लाइन का लेकर के पूरा का पूरा विषय चिंतन करो। व्यवहार परमार्थ के लिए है, व्यवहार परमार्थ नहीं है। यदि आप व्यवहार के द्वारा परमार्थ नहीं साधते हैं और व्यवहार करते हुए ही केवल अपने को धर्मात्मा मानते हैं, तो ये आपका भ्रम है विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन, या वाणी के जानते सूझे लोकालो, ओ वाणी मन सदा देत मुझो।